नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, एंकर रीवा के नवागत एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की बात कही। हम आपको बता दें, अनिल सोनकर इसके पहले रीवा के चोरहटा थाना, हनुमाना थाना सहित अन्य थानों के प्रभारी रह चुके हैं। वर्तमान में सिंगरौली से स्थानांतरित होकर रीवा आए हैं। उनकी पहली प्राथमिकता पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध की रोकथाम, जो पुलिस का बेसिक काम है, उसको करने की है। इसके लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाने की बात कहते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं, नए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने पदभार ग्रहण करने के बाद रीवा के पत्रकारों से क्या कुछ कहा। रोड मैप में अपन क्या कर रहे हैं, उनके जो रोड मैप के में वो आए हैं पहला जा करके फार्मेट आए ना, उस फार्मेट में अपन जानकारी भी है। 5 तारीख 7 तारीख के पहले तुम जा रहा है, मैं आऊँगा आपको थोड़ा सा देखा दीजिए। हाँ वही तो एड्रेस है। अरे आइए मिस्टर, साधारण बहुत बहुत बधाई के साथ, ये हमारे जिला मंत्री हैं जो आपको बुला जी। अरे ये हमारे लिए ये गर्व की बात है, इसलिए कि आप एडिशनल एसपी बन के यही आप 24 सत्तर से और यही आप एडिशनल एसपी बन के आए, कितने बड़े तीन ही जगह होगा और ये है इतने साफ सुथरे पोलिंग बूथ है हनुमाना में रहता है। रीवा में आज आपने पद ग्रहण किया है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आज आपकी? मैं रीवा में ही अपनी सेवा की शुरुआत किया था, मैं एज प्रोबेशनर यहाँ पदस्थ किया गया था और लंबे समय तक रीवा में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयास किया। कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधियों का हौसला पस्त, जन सामान्य शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल में रहें, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहें, इसके लिए अपने पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पूरी टीम के साथ बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग जब हुई है, जब चुनाव नज़दीक है, कैसे इसका संचालन करेंगे? यहाँ पर नशे का कारोबार है, दोनों आपके लिए चुनौतियां रहेंगी। अभी मैंने ज्वाइन किया है, वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं इसका अध्ययन किया जाएगा और उस चुनौतियों को सामना करने के लिए बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए योजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी।